तो दोस्तों, जब भी हमारे सामने चीन का नाम आता है तो हमारे जहन में आता है कम्युनिज्म और ये चेहरा जो कि आज अपने लगभग हर पड़ोसी से पंगा ले रहा है, जो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए थ्रेट बनता जा रहा है, खासकर डेमोक्रेसी के लिए। खैर दोस्तों, ये तो हुई मजाक की बात। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, क्योंकि हम अब तक चाइना के इतिहास पर कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहाँ हम प्राचीन चाइना से लेकर मॉडर्न चाइना के इतिहास पर बात कर चुके हैं। ये सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक टॉपिक छूटा हुआ था जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, अगर इतिहास को ठीक से जानना हो तो इतिहास की पुरानी पेंटिंग्स को देखिए, क्योंकि सिर्फ एक पेंटिंग ही आपको बहुत सारे जवाब दे देती है। जैसे कि यह ऐतिहासिक पेंटिंग जो कि फ्रांस के एक समाचार पत्र से प्रकाशित की गई थी। इस मशहूर पेंटिंग में आप देख सकते हो कि एक तरफ बैठी हुई है ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया और जर्मनी के सम्राट विलहेम केसर सेकंड। ये दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। वही बगल में रशिया के जार निकोलस सेकंड है, उनके बगल में फ्रांस की स्वतंत्रता देवी मेरियन है, और आखिरी में एक समुराई है जो कि जापान को दर्शा रहा है। ये सभी चीन को आपस में बांट रहे हैं। इन सभी के ठीक पीछे बॉक्सर नेता डोंग फुक्जियांग को दिखाया गया है, जिन्होंने बॉक्सर रिवोल्ट को लीड किया था, और इस पेंटिंग के हिसाब से यह इन सभी को भगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने एक बात नोटिस की हो कि यूरोपीय ताकतों ने एशिया में एंट्री ली और कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया, लेकिन जापान को उपनिवेश नहीं बना सके। जापान के अलावा अगर चीन की बात करें तो यूरोपीय ताकतें चीन के कोस्टल एरिया पर ही कंट्रोल कर पाई थी, बाकी पूरे चाइना को उपनिवेश नहीं बना पाई थी। जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे ब्रिटिश इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, डच ने इंडोनेशिया को, लेकिन चीन पर पूरा कंट्रोल ये लोग नहीं कर पाए थे। उसका सबसे बड़ा कारण था बॉक्सर रिवेलियन। इन्हीं विद्रोहों के कारण विदेशी शक्तियां समझ चुकी थी कि भैया चीन में जितना मिला वही ठीक है, ज्यादा अंदर मत जाओ। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूं तो चीनी लोग डरते थे किंग डायनेस्टी के अधिकारियों से, और ये अधिकारी डरते थे इन विदेशियों से, और ये विदेशी डरते थे चीनी लोगों से। मतलब डर का एक पूरा सर्कल बन गया था। इसलिए विदेशी ताकतों ने यह समझ लिया था कि किंग डायनेस्टी को ही राज करने दिया जाए, अपन दूर ही रहो, बस किंग डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में रखो। तो दोस्तों, आसान भाषा में आप बॉक्सर रिवोल्ट के महत्व को समझ गए होंगे। बाकी ज्यादा कुछ समझने के लिए इतिहास में और पीछे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये विद्रोह हुए क्यों। तो दोस्तों, द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, यानी कि चीन की वो शताब्दी जहां विदेशी ताकतें कमजोर किंग डायनेस्टी का पूरा फायदा उठा रही थी, जिसकी शुरुआत होती है 1839 से। इस दौरान ब्रिटेन के साथ साथ बाकी विदेशी ताकतों ने भी चीन पर हमले किए थे, जैसे फर्स्ट ओपियम वॉर, जहां ब्रिटेन भारत में अफीम का उत्पादन करता था और उसे चाइना के मार्केट में बेचता था। जब चीन ने इसका विरोध किया तो पहला ओपियम वॉर हुआ, फिर आगे चलकर दूसरा ओपियम वॉर भी हुआ। चीन के लोग एक तो इन विदेशियों से बहुत नफरत करने लगे थे, क्योंकि ये ताकतें चीन में ईसाई धर्म का प्रचार भी कर रही थी। चीनी लोगों ने कई सालों तक इन्हें सहा और इनके सब्र का बांध टूटने लगा जब जापान ने चीन को 1895 में बुरी तरह हराया, जिसमें ताइवान सहित पूरा कोरियन पेनिनसुला चीन के हाथों से चला गया, और 19वीं सदी के अंतिम सालों में चीन में बढ़ रही गरीबी और बेरोजगारी से परेशान होकर एक ग्रुप खड़ा हुआ। इस ग्रुप में नॉर्दर्न चाइना के बेरोजगार युवा शामिल होने लगे। इस ग्रुप के युवा खासकर लड़ाइयों के लिए बेल प्रिपेयर होते थे, जो चाइनीज कुनफू ट्रेनिंग लेते थे। पहली बार अमेरिकियों ने इन्हें बॉक्सर कहा था। इन्होंने मार्शल आर्ट्स के साथ साथ हथियारों की ट्रेनिंग भी ली थी। ये विदेशी ताकतों को विदेशी शैतान कहते थे और साम्राज्यवाद विरोधी गतिविधियों में शामिल होते गए। जब दूसरा ओपियम वार खत्म हुआ तो 1860 में साइन की गई तियानजिंग ट्रीटी के अनुसार विदेशी पादरियों को चर्च के लिए जमीन खरीदने की आज़ादी मिली थी। इसलिए चाइना में ईसाई धर्म का प्रचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसी दौरान जब 1897 में सेडोंग प्रांत में बाढ़ आई, जिसके कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, इसीलिए अब लोग शहर की ओर पलायन करने लगे, और हमलों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसकी शुरुआत हुई 1 नवंबर 1897 को, जब बिग स्वार्ट सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने एक जर्मन मिशनरी के घर पर हमला किया और दो पादरियों को मार दिया। आगे चलकर अक्टूबर 1898 में बॉक्सर्स के गुट ने लियुआनटून गांव में ईसाइयों पर हमला किया
क्योंकि यहाँ के ईसाइयों ने जेक सम्राट के एक पुराने मंदिर को चर्च में बदल दिया था। यह वॉक्सर्स ने एफू किंग माय यांग के नारे दिए, जिसका मतलब होता है सपोर्ट द किंग एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेनर्स। बॉक्सर्स के हमले यूं ही बढ़ते रहे। उनके प्रमुख टारगेट थे चीनी ईसाई लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके थे और गोरे। अब शुरुआत में किंग डायनेस्टी के सम्राट गुआंगसू ने सुधारों की कोशिश की, वे वॉक्सर्स के खिलाफ थे, जिसके कारण किंग डायनेस्टी के कुछ अधिकारी सम्राट से नाराज हो गए, जिसके कारण किंग डायनेस्टी की स्थिति और खराब होती जा रही थी। इसीलिए रानी सिक्सी पिक्चर में आई और उन्होंने सम्राट को नजरबंद करवा दिया और सारी पावर अपने हाथों में ले ली। साल 1900 में जनवरी के महीने में रानी ने किंग डायनेस्टी के फैसलों को बदल दिया और वॉक्सर्स के सपोर्ट में आ गई। रानी के इस निर्णय से विदेशी ताकतें भड़क गई। वहीं वॉक्सर रिवोल्ट विजिंग के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुका था। वॉक्सर्स ने कई चीनी ईसाइयों को मार डाला और चर्चों को जला दिया। 30 मई तक एक ब्रिटिश मिनिस्टर क्लार्क मैक्सवेल और बाकी विदेशी राजनयिकों ने अपनी विरासत की रक्षा के लिए अपने सैनिकों को बीजिंग बुलाने की मांग की। अब यहाँ किंग डायनेस्टी को मजबूरी में अनुमति देनी पड़ी। अगले ही दिन 8 देशों के करीब 435 नौसैनिक अपने वॉरशिप से ताकू उतरे और ट्रेन के जरिए बीजिंग तक पहुंचे। वहीं 5 जून तक वॉक्सरों ने रेलवे लाइनों को ग्रामीण इलाकों से नष्ट कर दिया और 17 जून तक जापानीज आर्मी के सचिव सुगियामा अकीरा पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। वॉक्सर संगठन के सैनिक अब बीजिंग तक पहुंच चुके थे। इनका विदेशी ताकतों में इतना खौफ बढ़ गया था कि यूनाइटेड स्टेट मरीन्स को भी बीजिंग आना पड़ा। वहीं जर्मनी के सम्राट विल्हेम केसर यहाँ के स्थानीय चीनी मुस्लिम सैनिकों से इतना परेशान हो गया था कि उन्हें ऑटोमन एम्पायर से मदद मांगी ताकि वो मुस्लिम सैनिकों को लड़ने से रोक सके। 11 जून तक कुछ जर्मन सैनिकों ने एक वॉक्सर चीनी सैनिक को पकड़ लिया और मार दिया। इस घटना के बाद विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना कि दोपहर तक वॉक्सर सैनिकों ने बीजिंग के कई चर्चों में आग लगा दी। यह विद्रोह ऐसे ही बढ़ता रहा। जब भी विदेशी सैनिक वॉक्सर संगठनों के सैनिकों को गोली मारते तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता, जिसके कारण वॉक्सर सैनिक आम लोगों को भी निशाना बनाते जा रहे थे जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था। वहीं अपनी सुरक्षा के लिए और विदेशी सैनिक बुलाए गए, जैसे 10 जून तक तकरीबन 2000 ब्रिटिश सैनिक बीजिंग बुलाए गए। हालांकि अब तक चीनी सरकार यानी कि रानी साहिबा गुप्त रूप से वॉक्सर्स को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब रानी को लगने लगा कि वॉक्सर सैनिकों में काफी दम है, तो उन्होंने भी विदेशियों को भगाने का एक मौका देखा। इसके साथ ही उन्होंने खुलेआम विदेशियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वहीं 2000 ब्रिटिश सैनिक जो बीजिंग आ रहे थे, रेलवे लाइन नष्ट होने के कारण उन्हें दिक्कतें आईं और वॉक्सर सैनिकों ने उन्हें रोक दिया, जिसके कारण उन्हें वापस तियानजिन लौटना पड़ा। खैर दोस्तों, यहाँ विदेशी ताकतें इतनी आसानी से चीन छोड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने 8 देशों का एक गठबंधन बनाया जिसमें जापान के 18 वॉरशिप और 20,000 सैनिक शामिल थे, तो रशिया के 12,000 सैनिक, ब्रिटिश एम्पायर के भी करीब 20,000 सैनिक शामिल थे। इनमें अधिकतर ब्रिटिश इंडिया के ही सैनिक थे। इनके अलावा अमेरिका और इटली के भी 3,000 सैनिक शामिल थे। बाकी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के सैनिकों की संख्या भी थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। कुल मिलाकर विदेशी ताकतों ने तकरीबन 50,000 की सेना खड़ी कर ली थी, जिनके पास आधुनिक हथियार थे और तकरीबन समुद्र में 54 वॉरशिप थे। वही रानी के आदेश के बाद भी उन्हें अपने ही गवर्नरों का साथ नहीं मिला। उन्होंने रानी की युद्ध की घोषणा को मानने से इनकार कर दिया। जैसे युआन शिकाई ने सेडोंग प्रांत में उल्टा वॉक्सर आंदोलनों के खिलाफ ही लड़ाइयां शुरू कर दी और जनरल जांग ने अपनी सेना को लड़ाइयों से दूर रखा। साथ ही शंघाई में विदेशियों से भी बातचीत शुरू कर दी, जिसके कारण इन अलग अलग प्रांतों के गवर्नरों की सेना युद्ध से बाहर रही। अगर चीन के दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी गवर्नर चीन के लिए विभीषण या जयचंद बन चुके थे। अगर ये उस समय रानी का साथ देते तो शायद विदेशियों को उसी समय चीन से भगाया जा सकता था, लेकिन जो है सो है। विदेशी सेना अब बीजिंग की ओर बढ़ रही थी। 14 जुलाई तक इन सेनाओं ने तियानजिंग पर कब्जा कर लिया था और बीजिंग की ओर आगे बढ़ी। इसमें तकरीबन 20,000 सैनिक शामिल थे। इन्हें रास्ते में चीन की शाही सेना और वॉक्सर सैनिकों से लड़ाइयां लड़नी पड़ी, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आई तो वो मौसम से, क्योंकि गर्मियों के कारण कई विदेशी सैनिक प्यास के कारण मारे गए।
आसपास के ग्रामीण लोगों ने भी इनकी हत्याएं की। हालांकि इन सैनिकों ने भी कई चीनी ग्रामीणों को मारा और बलात्कार भी हुए। विदेशी सेना 14 अगस्त तक विजिंग पहुंच चुकी थी। हालांकि चीन जापान युद्ध के बाद से चीन ने अपनी सेना को काफी मॉडर्न कर लिया था। उनके पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन फिर भी वो विदेशी सैनिकों को नहीं रोक पाए। वहीं विदेशी सैनिकों में होड़ लगी हुई थी कि कौन पहले लेगेसेन क्वार्टर तक पहुंचेगा, जो सम्राट का महल है। इसमें ब्रिटिश सेना को सफलता मिली, जिसमें भारतीय सैनिक शामिल थे और वे ही सबसे पहले लेगेसेन क्वार्टर तक पहुंचे थे। बाकी रानी साहिबा मौका देखकर एक नौकरानी के कपड़े पहनकर बैलगाड़ी से सियान भाग गई और विदेशी सैनिकों ने भी उनका पीछा नहीं किया। इसी दौरान मौके पर चौका लगाते हुए रशियन एम्पायर ने मंचूरिया पर हमला शुरू कर दिया। यहाँ रशियन एम्पायर ने 1690 की नेरचिंग्स की ट्रीटी को तोड़ दिया और मंचूरिया सहित कई नॉर्दर्न चाइना के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों, चीन के कुछ हिस्से तो आज तक रशिया के पास ही हैं और चीन आज तक उन्हें वापस नहीं ले पाया है। खैर दोस्तों, चीन इन हिस्सों को वापस कभी ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो पुतिन है, कोई शांति दूत नहीं है। बाद में करता है और बम पहले मारता है। खैर दोस्तों, रशिया यहाँ कोरिया तक अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, इसीलिए रशिया के इस कदम से जापान नाराज हो गया और पहले रूसो जैपनीज वार की नींव रखी गई। तो दोस्तों, 8 देशों के इस गठबंधन ने चीन के जिली प्रांत पर कब्जा कर लिया तो रशिया ने मंचूरिया पर। बाकी प्रांतों पर चीनी गवर्नरों का रूल रहा, जो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। बाकी जर्मन जनरल अल्फ्रेड ग्राफ के कमान में विदेशी गठबंधन की सेना ने विजिंग, दियाजिंग और जिली प्रांत पर एक साल से ज्यादा समय तक राज किया। वही जनरल युआन शिकाई को मदद के लिए इनाम मिला, जिसने विद्रोह के दौरान हजारों लोगों की जान ली थी। बाकी बात करें लूट की, तो यहाँ विदेशियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कहा जाता है कि एक अमेरिकी राजनयिक ने तो लूट के सामान से पूरी ट्रेन भर ली थी और अंग्रेज रविवार को छोड़कर हर दिन लूट के सामान की नीलामी करते थे। विदेशी सेनाओं ने पेकिंग यानी कि विजिंग पर कब्जे के बाद 7 सितंबर 1901 को किंग डायनेस्टी के साथ वॉक्सर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, यानी कि 8 देशों के गठबंधन और चीन के बीच शांति समझौता हुआ। साथ ही 10 चीनी अधिकारियों को फांसी की सजा भी दी गई, जिन्होंने वॉक्सर रिवोल्ट का समर्थन किया था। साथ ही चीन पर 17,000 टन फाइन सिल्वर का जुर्माना लगाया गया, जो कि चीन को 1939 तक देना था, वो भी 5% सालाना ब्याज के साथ। खैर दोस्तों, जो भी हो, विदेशी ताकतें यहाँ तक इतना तो समझ चुकी थी कि चीन पर कब्जा करना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने चीन पर कंट्रोल करने की नीति को छोड़ दिया और कोस्टल एरिया पर ही अपना प्रभाव बनाए रखा। और दोस्तों, अगर ये वॉक्सर रिवोल्ट नहीं होते तो चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही होता जैसा कि अफ्रीका का हुआ था। ये यूरोपीय ताकतें अफ्रीका की तरह ही चीन को भी आपस में बांट लेती। इस पूरे कांड में करीब 32,000 चीनी ईसाई और 2,000 विदेशी मारे गए थे, बाकी आम लोगों सहित करीब 1,00,000 लोग मारे गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी चीन के वॉक्सर रिवोल्यूशन की। और दोस्तों, चीन ने जिस तरह से इतिहास में अत्याचार सहे हैं, उसी का हवाला देकर आज के राजनेता चीन की पॉलिसी को एग्रेसिव रखते हैं। बाकी ये पॉलिसी कहीं फिर से चीन का इतिहास दोहराना दे। बाकी आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।